खबर होडल से, जहां पर साठी धान लगाने वाले किसानों पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने 20 एकड़ धान की खेती की को नष्ट कर दिया, तो वहीं अवैध प्रतिबंधित साठी धान की खेती पर कार्रवाई हुई। 20 एकड़ की जो फसल है उस पर दवाई का छिड़काव किया गया, नष्ट की गई। खेती करने वाले किसानों पर दरअसल जुर्माना भी यहां लगेगा। छिड़काव के समय भारी पुलिस बल वहां पर मौजूद रहा, तो प्रतिबंधित साठी धान की यहां पर खेती की जा रही थी। 20 एकड़ जमीन पर यह फसल उगाई गई थी और ऐसे में इस 20 एकड़ जमीन पर केमिकल छिड़ककर, दवा छिड़ककर इसे नष्ट किया गया है। और जिस वक्त इसे नष्ट किया गया उस वक्त यहां पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। तो अवैध प्रतिबंधित साठी धान की खेती यहां पर 20 एकड़ जमीन पर की जा रही थी। पलवल के गांव सहराला स्थित करीब 20 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से प्रतिबंधित साठी धान की खेती को लेकर कार्रवाई की गई है। कृषि विभाग के द्वारा 20 एकड़ की फसल को नष्ट करने के लिए दवाई का छिड़काव किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। अब इन किसानों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त जीवन दास ने बताया है कि गांव सहराला के अंदर अवैध तरीके से साठी धान की खेती की जा रही है। इसके अलावा जिला उपायुक्त के आदेश पर वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हुए और करीब 20 एकड़ में बोई गई फसल को नष्ट किया गया। आगे भी कोई साठी धान की खेती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये साठी धान था, सरकार के आदेश अनुसार इसे डिस्ट्रॉय करना था स्प्रे से। उसी के सरकार के आदेशों के अनुपालना में डीसी साहब ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट जीवनदास नायब तहसीलदार को नियुक्त किया था, उसी के पालना में आए हुए हैं और ये कार्रवाई वही चल रही है। तो कितने एकड़ में ये धान? ये लगभग 20-21 एकड़ है, तो उस पर ये कार्रवाई चल रही है। तो किस तरह का नुकसान है अगर आप बता सकते हो साठा धान में, क्या इसमें एलिगेशन लगाए गए? सरकार की हिदायत है कि 60 दिन से पहले वाले जो होते हैं उससे फसल को, ये पानी की धरती का पानी कम हो रहा है उसको नुकसान होता है, वो मनाही है सरकार की तरफ से। इसी वजह से ये सरकार के आदेशों की अनुपालना में ही कार्य किए गए। जनाब एक्चुअल क्या है कि इन्होंने जो हमें हमारी HAU से और सरकार की तरफ से रिकमेंडेशन है कि 15 जुलाई से पहले हम बिजाई नहीं कर सकते, तो इन्होंने लगभग अगस्त जुलाई अपना अप्रैल मई में ही फसल की बिजाई कर दी है। तो ये जो फसल है ये ऑफेंस है, सरकार की तरफ से कतई मनाही है इसको बोने की, क्योंकि जो सब सोयल वाटर एक्ट है 2090 का, उसमें सरकार ने पहले ही इसको रिस्ट्रिक्ट। ऋषि हमारे साथ पलवल से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषि, साठी धान की फसल पर कार्रवाई करते हुए एक बड़े स्तर पर 20 एकड़ जमीन बताई जा रही है जहां पर कार्रवाई करते हुए फसल को नष्ट किया गया, क्या कुछ हुआ था उस दौरान? जी मैं बताना चाहूंगा कि पलवल जिले का गांव सहराला है जहां पर एक किसान द्वारा ये साठी धान की 20 एकड़ की फसल बोई हुई थी और जिसको लेकर कृषि विभाग अधिकारी मौके पर रहे और जिला उपायुक्त के निर्देश पर जीमल लाल जी ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात रहा और कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस जो साठी धान की फसल है जो 20 एकड़ किसान द्वारा बोई गई थी इस पर दवाई का केमिकल का छिड़काव किया गया, इस फसल को नष्ट किया गया। वहीं जब हमने कृषि विभाग के अधिकारी से बात की तो उनका यह कहना कि जो साठी धान की फसल है वो 60 दिन में पककर तैयार हो जाती है और ये इसमें जो दूसरे धान की फसलें हैं उससे ज्यादा मात्रा में पानी खर्च होता है और सरकार द्वारा इस पर साठी धान पर लगाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है पानी की वजह से, क्योंकि इसकी जो नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास है इस साठी धान की वजह से वो भी जो जमीन के अंदर है वो भी नष्ट होती जा रही है, तो इसलिए सरकार के आदेश पर इनको बोने की मनाई की हुई है। लेकिन उसके बाद भी इस किसान ने 20 एकड़ की जमीन में अपनी में साठी धान की फसल लगाई हुई थी जिसकी सूचना कृषि विभाग को लगी, कृषि विभाग ने इसकी सूचना जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार को दी, उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात करके इस फसल को नष्ट कराया गया। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए ऋषि भारद्वाज।